नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं हिंदू धर्म में तर्पण अर्थात पितरों में तर्पण का विधान क्यों है। दूसरे शब्दों में कहें तो पितरों में आस्था क्यों दिखाई जाती है। पंच महायज्ञ में पितृ यज्ञ की मान्यता है। मनुस्मृति में श्राद्ध तर्पण तथा पिंडदान को पितृ यज्ञ कहा गया है। हिंदू धर्म दर्शन में मृत्युपरांत मृतक को पितृ या पितर मानकर उनके प्रति संपूर्ण आस्था तथा श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए उन्हें पिंडदान श्राद्ध तथा तर्पण का विधान है। इससे सुख समृद्धि की वृद्धि होने के साथ साथ स्वर्गस्थ पितरों की तृप्ति होती है। इसके अतिरिक्त दैनिक जल अर्पण अर्थात जल देने की परंपरा हिंदू संस्कृति में ही मिलती है। प्रतिवर्ष पितृपक्ष के अवसर पर श्राद्ध करने में भी हिंदू पूर्ण आस्था रखता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संतान द्वारा 10 दिनों तक पिंड निर्माण कर पिंडदान किया जाता है। 11वें तथा 12वें दिन श्राद्ध का भोजन सूक्ष्मजीव करता है और 13वें दिन मृतक यमलोक को प्रयाण करता है। हिंदू दर्शन में मान्यता है कि पिंड से सूक्ष्म शरीर बनता है। पितरों के मोक्ष हेतु यह एक अनिवार्य परंपरा है। योग वशिष्ठ में कहा गया है कि पितृ मृत्युपरांत अपने कुटुंबियों से अपेक्षा करते हैं कि वे पिंडदान करें जिनसे उनको नया शरीर की प्राप्ति हो। ऐसा दार्शनिक चिंतन तथा मान्यता मात्र हिंदू धर्म में ही मिलती है तथा प्रत्येक हिंदू इसमें पूर्ण आस्था रखता है। श्राद्ध तर्पण का अर्थ है पितरों का आवाहन, सम्मान एवं उनकी शुद्धापूर्ति, जिसे ग्रहण करने के लिए पितर प्रतिवर्ष पितृपक्ष में अपने संतानों के द्वार पर आकर प्रतीक्षा करते हैं। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि मृत पूर्वजों पितरों पुरुषों के लिए श्रद्धापूर्वक किए जाने वाला कर्म ही श्राद्ध है। श्राद्ध से ही श्रद्धा स्थिर होती है तथा श्राद्ध द्वारा मृत पितरों को सदगति, शांति और मोक्ष मिलने की मान्यता है। यह भी मान्यता है कि श्राद्ध के दौरान जो भी वस्तु पितरों को प्रदान की जाती है वह उनको अवश्य पहुँचती है। मनुस्मृति में ऐसा उल्लेख मिलता है। गरुण पुराण के अनुसार श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म होने से संतुष्ट पितर पुत्र मोक्ष आयु स्वर्ग कीर्ति यश वैभव संपदा इत्यादि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उल्लेख है कि पिंडदान आदि ज्येष्ठ पुत्र द्वारा ही किया जाना उचित है। सभी अथवा अनेक पुत्रों द्वारा इसे करने का निषेध है। श्राद्ध प्रक्रिया में 6 तर्पण देव ऋषि दिव्य मानव दिव्य पितृ यम एवं मनुष्य पितृ है। तर्पण में गंगाजल का विशेष महत्व है, किंतु जहाँ गंगाजल उपलब्ध न हो वहाँ पर किसी सरोवर नदी या तालाब का जल भी प्रयुक्त किया जा सकता है। तर्पण में समस्त मृत पूर्वजों पिता पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह माता मातामही सभी अज्ञात पूर्वजों अन्य योनियों में विचरण कर रहे पूर्वजों आदि का तर्पण किया जाता है। तदुपरांत सूर्य का तर्पण होता है। सूर्य के तर्पण के पश्चात अंत में भीष्म पितामह के तर्पण का भी विधान है। भीष्म सबके पितामह माने जाते हैं। मान्यता है कि बिना भीष्म पितामह का तर्पण किए तर्पण अपूर्ण रहता है। भीष्म को तर्पण करने का आशय संभवतः यही है कि उनके माध्यम से समस्त अज्ञात वृद्ध प्रपितामहों का भी तर्पण कर दिया जाता है, क्योंकि अज्ञात वृद्ध प्रपितामहों का तर्पण भी करना कर्तव्य है। निसंदेह ऐसा विलक्षण उदाहरण मात्र हिंदू संस्कृति में ही मिलता है, जहाँ संपूर्ण धरती के अज्ञात मृतकों तक को स्मरण किया जाता है और यहाँ विलक्षणता मुझे हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति कराती है। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।